हमारे साथ सुधीर राजी आज संविधान दिवस के ऊपर, और मैं कहूंगा ये हमारे कैमरा मैन से, ये संविधान दिवस में जो पब्लिक है इसको जरा एक बार दिखाएं। आप देख रहे हैं पूरी पब्लिक संविधान दिवस के उस पर आई हुई है, झंडे बैनर और ये हजारों की संख्या में पूरे देश से आई हुई है, और इसके अंदर पूरी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बहुत अनुशासन से यहाँ पर आप देख रहे हो पुलिस की व्यवस्था भी नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग आराम से बैठे, अनुशासन में रहकर बैठे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जितने कार्यक्रम होते हैं बहुत सफलता से और बहुत आराम से हो जाते हैं, उसका क्या कारण है विशेष? क्योंकि बाबा साहब के सारे लोग संवैधानिक हैं, एक भी आदमी बाबा साहब का जो अनुयायी है वो असंवैधानिक नहीं है, सारे लोग संविधान के तहत काम करते हैं, बहुत शांति से, बहुत नियम से। यहाँ रात तक भी हमने परमिशन ली है, रात थाने में परमिशन दे, हमें परमिशन में बड़ी दिक्कत हुई और पुलिस हमें हमारे कार्यक्रमों को परमिशन, संवैधानिक कार्यक्रमों को परमिशन देने में आनाकानी करती है, फिर भी हमने किया और उन्होंने हमारे एक ट्रैक्टर को परेशान किया रास्ते में, तो हम फिर भी शांति बना के चलते रहते हैं। सुधीर जी एक बात बताइए, अधिकतर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पब्लिक को हायर पे लिया जाता है, तो आपने क्या इसके लिए बस वगैरह लगाई है, क्या है वो बताइए? देखिए आपको ताजी होगा कि आज राजधानी में 10 कार्यक्रम हैं और 10 के 10 कार्यक्रम ऐसे ही हैं, हमारे पास 85% लोग हैं और संविधान के लिए सब मने तैयार हैं, 10 कार्यक्रम आज हैं और 30 कार्यक्रम कल 26 तारीख को हैं, 27 तारीख को कार्यक्रम है, पूरे देश के अंदर 4000 कार्यक्रम लग चुके हैं और हर जगह इतनी भीड़ और हर जगह इतना ही जोश है। सुधीर राजी जी ने बताया कि पूरे देश के अंदर आज ऐसे ही इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर, न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।